क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां लोग टिकट तो खरीदते हैं पर कहीं भी नहीं जाते हैं। गजब। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित इस अनोखे रेलवे स्टेशन का नाम दयालपुर रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर लोग टिकट तो खरीदते हैं लेकिन ट्रेन में सफर नहीं करते। जानकारी के मुताबिक दयालपुर में रेलवे स्टेशन बनने की प्रक्रिया साल 1954 में शुरू की गई थी। इस स्टेशन को बनाने में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा योगदान था। दयालपुर में रेलवे स्टेशन बनने के बाद लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी आसानी हुई। तकरीबन 50 साल तक रेलवे स्टेशन ठीक चला, फिर 2006 में इस स्टेशन को बंद कर दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर स्टेशन को बंद क्यों किया, जिसमें रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि भारतीय रेलवे के कुछ मानकों पर खरा न उतरने वाले स्टेशन को बंद कर सकता है। उन्होंने बताया कि अगर मेन लाइन पर कोई स्टेशन मौजूद है तो वहाँ हर दिन कम से कम 50 टिकट कटनी चाहिए। वहीं अगर कोई स्टेशन ब्रांच लाइन पर है तो वहाँ हर दिन कम से कम 25 टिकट बिकनी चाहिए। भारतीय रेलवे द्वारा तय रेवेन्यू से जुड़े मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण ही इस स्टेशन को बंद कर दिया गया था। स्टेशन बंद हो जाने के बाद दयालपुर में उसके आसपास के गांव के लोगों ने कई बार अर्जी लगाई और आखिरकार 2022 में रेल मंत्रालय ने इस स्टेशन को दोबारा खोल दिया। इसके बाद से यहाँ के लोगों ने निश्चय किया कि इस स्टेशन को बंद नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ के लोग आपस में जुटकर हर दिन न्यूनतम टिकट बिक्री का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। हालांकि इस स्टेशन को केवल होल्ट के रूप में खोला गया है और यहाँ केवल 1 से 2 ट्रेन ही रुकती है।